तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू बजबी के गेम प्लेवेड में, जहां पे तुम्हारा भाई पिठाई लगाता है एक स्पीड हैकर की। यस आगे होगा, यहीं पे मिलिट्री रैली में ही पकड़ के पेलेंगे, पूरी तरह से मारेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, गन लेता हूँ। देखो ये सीन ऐसा होता है कि कंफर्म करने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, मतलब एकदम ही मिल जाता है हैकर। आगे आगे देखो, अब गोली चल रही होती है आगे पे। अब ठीक यहीं पे टावर पे कोई बंदा है और ये एक किल में लेता हूं। अब ये एसकेएस जो चल रही है, इस चीज को याद रखना और इसका नाम भी, क्योंकि वही आगे काम आएगा फिलहाल के लिए। अब यहां पे देखो, ये लगातार एसकेएस चलाता है, सारी गोली लग गई मेरे को। मैंने बोला यहां तक मेरे को कोई शक कुछ नहीं, देखो हेडशॉट भी नहीं लगा, सिंपल नॉर्मल पेला है। कहां से पेला वो दिखा नहीं मेरे को, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया पेल ही दिया, यहां तक कुछ कुछ सीन नहीं था। लेकिन वही बंदा हैकर निकलता है। फिलहाल के लिए देखो मैं ऊपर टॉप पे जाता हूं, क्योंकि अगर मुझे बचना है। क्योंकि अगर मेरे को बचना था तो टॉप पे जाना था। अब देखो टॉप पहुंचते ही मैं सीधा उसको देखने लगता हूँ कि यार ये गया कहाँ, मतलब अभी तो यही पेड़ के अगल बगल था, लेकिन ये बंदा पीछे काफी दूर भाग चुका था। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लड़ रहा होता हूँ इनको। एक को पहला, दूसरा भी यही लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला बच के घर के अंदर जाता था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार किल अपने हो चुके थे। यहां से मैं थोड़ा और लड़ता हूं इन बंदों से, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा ना होता। अब देखो तैयार हो जाओ ध्यान से देखने के लिए। मार मार बोरा उसके शॉट को मार, ये वही नॉक है। और क्या आपको भी वही दिख रहा है? हाँ वो देख देख, लेट की कितनी देर चल रहा है वो। और यहाँ पे बताना क्या आपको भी वही दिखा जो मेरे को देखा। उस बंदे को मैं नॉक करता हूँ, क्या नाम था उसका पता नहीं, लेकिन वो उसके बाद तेज भगता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसका टीममेट होता है दूसरा नल्ला, इसको भी लपेटने की कोशिश। अब यहाँ पे उसका जो टीममेट था उसको भी नॉक कर दिया, यानी कि अब वो बंदा रिवाइव होना तो नहीं चाहिए, मतलब दोनों नॉक पड़े। और ये देखो फिर से, तो स्क्रीन पे देखो यहाँ पे लेफ्ट से ये देखो बंदा क्या दौड़ते हुए तेज जाता है। दोबारा देखो यहाँ पे मैं उसको मार रहा हूं, तो ये बगल से निकल के तेज चला जाता है और पेटी डल जाती है उसकी। देख रहे हो, मतलब ये मैं 99% सो रू की ये एक स्पीड है करता, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि लैग हो गया तो लैग होके बंदा तेजी से नॉक होके भागने लगा। अरे इतनी रफ्तार में बेटा मेरी वो जो बुगाटी निकाली है ना 50,000 की, वो ना भागती है जितनी रफ्तार से ये नॉक होके भाग रहा था। ये बेशरम नल्ले गई है, लेकिन फिर भी पिट जाते हैं, वो अलग बात है। इस मैच में आगे जाके मैं भी कहीं पे पिट गया था। तुमको क्या लगता है, क्या वो स्पीड हैकर था या फिर नेट लैग हो रहा था? मेरे को पता है वैसे वो स्पीड हैकर था, मेरे को फॉर अ फैक्ट पता, लेकिन फिर भी तुमको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो वो वही था, प्लस उसने एसकेएस भी बढ़िया चलाई थी, उससे नहीं कह सकता मैं, लेकिन स्पीड देख के पक्का हैकर था, स्पीड देख के गारंटी दे सकता हूं मैं। फिलहाल के लिए यहां पे आ रखा हूं शॉटगन से, पंगे कर रहा हूं बंदों से, और ये एक बंदा यहां पे पीछा करता है। अरे बेटा तुमको क्या लगा, रुको जरा, तुमको क्या लगा मेरे पे शॉटगन पड़ी है तो मैं पिटाई नहीं डालूंगा? हाँ तुमको ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगा कि मेरे पे शॉटगन है तो मैं कुछ नहीं उगाड़ सकता, या तो शायद इसको पता भी नहीं था कि मेरे पे शॉटगन है। खैर वो देखो आगे पे एक बंदा आता है, प्री फायर खेल रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं खेलने तो हम भी आए हैं, बस मैं प्री फायर नहीं मैं पेटियां डालने आ रखा हूँ। तो हाँ यहाँ पे अभी ये दोबारा मैं आगे भागूंगा, ये प्री फायर देगा। मैं लेफ्ट से जाता हूँ, ये भाग गया, ये फिर भाग गया, और ये फिर से भाग गया। तो हाँ यहाँ पे ज्यादातर भगदड़ी चल रही है, मेरे को डैमेज पड़ जाता है, पीछे से भी कोई मारता है, और आखिरकार इसको भी पकड़ ही लिया। अरे ये प्री फायर बेटा अपने गांव पे करता, यहाँ पर नहीं समझा कि अभी मैं हैकर को पहल क्या रखा है, अभी मैं जोश में बहुत। खैर वाटा जोश में कुछ और बंदे भी होते हैं, ये आजकल के डीपीएस बाज कुछ ज्यादा ही होने लगे, मतलब डीपीएस बाजों की आजकल दुनिया में कोई कमी ना, हर एक बंदा आजकल डीपीएस चला रहा है। अब यहाँ पे देखो आगे बैरल चलती है और डीपीएस बाज है, और ये डीपीएस वाले कुछ ज्यादा ही चौड़ में रहते हैं। एक को पहला, पेटी भर दी उसकी, पूरी पेटी डाल दी एक की,
दूसरा और यही थे वो बैरल प्लस डीपीएस बाज आ रहे। तीन तीन बंदे ओपन से रस कर रहे हैं। बेड़ा तू पे डीपीएस है, इसका मतलब क्या कवर पे मार दोगे क्या? इतना ज्यादा चौड़ भी नहीं आना चाहिए था। इनकी पीट डालता हूं, इनका एक चौथा और आखिरी बंदा बैठा है, यहीं कहीं बैठे और वो तो रीड रीड। ये तो चलो कोई ना, रस गेम प्ले कर रहे हैं ओपन से, कोई बात नहीं। ये बंदा इतना ढीट, अरे मैं तो पागल हो जाता हूँ। मेरे को पता है ये बंदा इधर पीछे है, जो छोटा सा घर है इसके यहाँ बैठा होता है। और इस बंदे को देखो, ये बॉट आ गए। बॉट इसके पीछे तब तक मिनी डालता है जब तक ये चिल्लाने न लग जाए, लेकिन ये गोली न चलाता। ये देख रहे हो, ये बंदा मतलब इतना मगन था मेरे से लड़ने के लिए। लड़ना क्या मतलब, मेरे को वो बंदा है। अब एक बंदा और आ जाता है, मिनी सोला चला रहा है। मिनी सोला ने, ये मिनी सोला कौन सी गन है? मिनी सोला कौन सी गन बता दी मैंने? ये M16 चला रहा होता है। खैर बैठा, मैं यहाँ बॉटों को बेलता हूँ। ये जो बंदा इधर बैठा था दीवार के पीछे, ये बॉट को ना बेलता जी, ये सिर्फ मेरे को पेलने के लिए खड़ा था। पता नहीं क्या कर रहा था, नल्ला पेटी डाल दी इसकी। खैर अभी देखो, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये जो चला रहा है M16 चला जाएगा, कब तक रुकेगा अब? लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस रस गेम प्ले कर रहा है। हर कोई चौड़ में, पता नहीं क्यों मैं हैकर को पहल के आ रखा हूँ दूसरे मैच में। मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भैया मैं चौड़ पे हूँ, छत्ती चौड़ी करके चल रहा हूँ कि हाँ कौन आएगा मेरे से लड़ने। ये बंदे क्यों चौड़ पे, ये ऐसी नल्ली बाइक, तीन मंजिला बाइक लेके क्यों रस कर रहा है? क्या करना क्या चाहते हो? पता नहीं इनका क्या सीन था, पेटिया डालता हुआ आगे बढ़ा, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, पेटी भरो और आगे बढ़ जाओ। 11 किल मेरे हो चुके थे, ठीक ठाक किल निकाल के मैं आगे बढ़ चुका था। ये एक आध बॉट इधर दिखते हैं, साले नल्ले बॉट। और बॉट को पेलते पेलते कुछ बंदे भी दिख जाते हैं बंदा ऊपर। अब यहाँ पे देखो बंदों की लड़ाई चल रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, इस घर पे ही बैठा होगा, जाके लपेट लूंगा। अरे मेरे कद्दू आगर, ये असल में सांप बन चुका था, लेकिन इससे हमको इसी का टीममेट बचा लेता है। मैं बताता हूँ कैसे, फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ। और इतने में कोई दूर से स्प्रे कर देता है, वो होता है इसी सांप का टीममेट। तो करना क्या था, मैं भाग लेता हूँ। ये गया, नॉक दे दिया। देखो मैंने बोला निकल लो भैया, कुछ ना पता क्या होगा। दो बंदे होते हैं असल में उस पेड़ में, मैंने बोला दोनों का लपेटे में लेंगे। तो हाँ गाड़ी लेके मैं चल दिया और ये इनको पकड़ा जाए। बच गए, पत्थर पे जा। फिर से एक की तो पेटी डाल दी, लेकिन एक अब भी बचा है। और देख रहे हो वो जो बंदा जो मैं घर पे सोच रहा था, वो घर पे नहीं था। ये हमारे ये गया, वो ये था, ये साफ ये पेटी डाल देता अगर मैं और ज्यादा आगे जाता उस घर पे। कह रहे हो फिलहाल बच गया, अब मैं स्मोक से एचएस मार देता हूँ अपने फ्लैंक पे जस्ट की बात कर रहा था, फ्लैंकिंग करके मारेंगे। देख रहे हो पूरे के पूरे चार बंदे बैठे थे, अलग अलग तिरछा मिर्छा होके बैठे रहते हैं, इनका कुछ ना हो सकता। खैर इनको मैं पेलता हूँ, ये एक आध बॉट और आते उसे पेलता और वो हटाऊ। मेरे को ये समझ नहीं आता कि यार हैकर लोग पिटते कैसे, मतलब सुपर स्पीड है तुम पे, ऑटो एम है, जहां गोली मारो बंदे पे ही जाती है, तुम मरते कैसे हो? मतलब तुम इतना नल्ला कोई कैसे हो सकता है? हैक लगा के मर जाए, ए अशिष्ट कद्दू अशिष्ट जो भी सीन रहता है इनका, सारी गोली बंदे के सर पे, उसके बाद तेज भागते तुम नौ गोले के बाद भी फिर भी मर जाते हैं। अरे तुम इतना नल्ला है कर कोई कैसे हो सकता है? पता नहीं इन पे ना एक चीज की कमी होती है, इन पे हैक फुल होते हैं, बस एक चीज की थोड़ी सी कमी, दिमाग की थोड़ी कमी होती है बस, इसलिए मैं पेल जाता हूँ इन्हें। खैर मैडम यहाँ पे मैं आता हूँ, ओपन पे गाड़ी रोकता, अरे हैकर को पेल क्या है, चौड़ पे है। अब ये डीपी बाज तो बोलता हूँ, अब हमारे भाई मेरे को बोल रहे होते आजा, मैं तो बोलता हूँ ये डीपी मार देगा, मेरा कद्दू मारेगा डीपी, मेरा कद्दू मारेगा, मैं इधर पे एयरडॉप लेके खड़ा हूँ, ऐसे कैसे डीपी मार देगा? मैं ये नहीं कि डरपोकों की तरह भाग गया घरों पे घुस गया, ठीक है ये सब ना होता मेरे से, मैं लड़ू ओपन पे खड़े हो गए, इसलिए अभी दोबारा ओपन पे आ गया। फटती है यस, डर सभी को लगता है, चेहरा सभी का सूखता है, नहीं गर्दन से भी की सूखती है, पता नहीं मेरे को है, पता नहीं कौन सा हेड था, लेकिन अब मैं तैयार हूं, डर सबको लगता है, लेकिन जब मेरे पे स्नाइपर पड़ी हो डर के आ गए,
पेटी दिखा देता हूँ, डर के आगे चिकन दिखा देता हूँ मैं। इसी के साथ 20 किल हो चुके थे, गिरे चुरे 3 बंदे बाकी है। अब बस ये 3 नलबाज भी दिख जाए, थोड़ा 3 नहीं 4 बंदे बाकी है, कैलकुलेशन में दिक्कत। ये 3 नलबाज दिख जाए, 3 नहीं 4, 4 नलबाज दिख जाए, मजा आ रहा है। खैर इनको ढूंढना तो पड़ेगा, तो करना जाता वापिस एक गड्डी उठाओ, गड्डी को घुमाओ और भटकने चल दो, जो उनके बाहर तक जा रहा हूँ क्योंकि पता ही ना चल रहा कौन का बैठा है। खैर जब तक यहाँ से मैं वापिस उसी पहाड़ पे जा रहा होता हूँ, एक बंदा देखता है ये घर के अंदर बैठा है और दूसरा बंदा ये थोड़ा आगे पहाड़ पे, पेलेंगे दोनों को, पेलेंगे एक को दिया। अब वो गया, ये होता है नॉक, इसका टीममेट है सीधा नीचे घर के अंदर। अरे दोनों नल्ले घर पे ही चले जाते, मेरे लिए आसान ही होती। ये देखो भागते हुए आ रहा है नलबाज, क्या कर रहा है साहब, ऐसे भाग के रस गेम प्ले करेगा आप? अभी ये छुप गया दीवार के पीछे, बड़ा दीवार के पीछे आके पटक के पेलेगा मैं, और दिख जाए, दिख गया। और इसी हेडशॉट के साथ, और इसी एक और हेडशॉट के साथ, क्या मतलब एक हेडशॉट, एक से काम नहीं चलता भाई, 2-3 हेडशॉट तो लगा के मानू, यही 2-3 हेडशॉट के साथ मजा आ रहा है। ये बंदे लेटे पड़े हैं बिल्कुल बेशर्मों की तरह, लेकिन मैं पेल के जाता हूँ। खैर गाइस आपको क्या, मेरे को पक्का नहीं पता यूट्यूब पे जब तक वीडियो रेंडर हो के आएगी वो जूम जो मैंने किया है उस हैकर पे कितना दिखेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे दिख जाना चाहिए, जहाँ तक मैं थोड़ा 1080p में कर दो। नहीं क्या मतलब रात को कोई और वीडियो देखनी है YouTube पर ही एजुकेशनल वीडियो, मैं 1080p पे करता हूँ 2 मिनट के लिए। तो हाँ ये बंदा नॉक होके भी तेज भाग रहा था, लेकिन यार पेटी और पिटाई लगाने के लिए, तेज भागे या धीरे पेटी और पिटाई मैं लगा के रहता हूँ। लेकिन खैर मिलते हैं, आपको क्या लगता है मेरे को बता रहे इस हैकर के बारे में। बाय बाय।